आओ दिलदानी माड़ा मेरा सिद्धू मूसे वाला। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता मीना, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषि वर्ण। आई होप गाइस आप सबके बहुत अच्छे लग रहे अपनी फैमिली का ख्याल। तो आज हम आ गए आपके लिए एमी वे बंटाई की पब्लिक के लिए, दोबारा से एमी वे बंटाई का एक जबरदस्त गाना लेके आए हैं जो कि एमी वे बंटाई की कट्टर पब्लिक देखी होगी खुश। मैं बात कर रहा हूँ, गाने का नाम है अक्सर और गाना गाया एमी वे बंटाई और द रिश्त ने। तो देखते हैं भाई क्या कोलैबोरेशन होने वाला है। और एमी वे बंटाई की तो मैं एक ही बात कहूंगा भाई, ये बंदा जब आता है ना तो ये चीरता नहीं ये फाड़ देता है बंदा। तो भाई घबराता भी हूँ एमी वे बंटाई के गाने पे रिएक्शन करने से, क्योंकि मम्मी के साथ बैठती है पर बंदों की ना लव्स में दम है। तो मैं पहले गाने पे जाना चाहता हूँ, उसके बाद बताऊंगा मेरा क्या ओपिनियन है। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि मैं इसके जो उल्टे लफ्ज है ना उसकी तरफ नहीं जाती, जो उसके फीलिंग्स में जाते हैं, फीलिंग पे जाती हूँ। और मैं ये देखती हूँ कि एमी बंटाई बहुत अच्छा बोलता है। मैं तो अच्छाई है, अच्छाई की तरफ ध्यान देती हूँ। मैं उसके जो वो गाली गलौज देता है मैं उसके तरफ ध्यान नहीं देती, बिल्कुल नहीं ध्यान देती। तो चले तो गाने पे चलने से पहले बताता हूँ, जो जो एमी बंटाई के कट्टर फैन है और हमारा रिएक्शन देख के आता है मजा, तो बिना सीरियस जूसी के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा देना, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। और अगर आप चाहते हो ऐसे आपके बताए गाने पर रिएक्शन देते रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, क्योंकि वैसे देखिए आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। और ये बताना मत भूलना वीडियो आप कहां से देख रहे हो। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अक्सर सैड सॉन्ग टाइप लग रहा है। छुपाता तूने देखा नहीं क्या, मेरे कहने पे निशाना जो लगाया तूने लगा नहीं क्या, आँखों पे लगा जो पैरा, आँखों पे लगा जो पैरा, गुनाह में गिरा जो गहरा, उतरा है उतरा जो तेरा ये चेहरा। नाइस नाइस नाइस। होता ये अक्सर, होता ही अक्सर, पता तो है तुझे, पता तो है ना। नाइस। आँखों में देखने की कोशिश ना कर। नाइस। पल जो मिले हैं वो रहेंगे ना कल। नाइस नाइस। पल जो रहेंगे ना कल। इन यादों में रहने की कोशिश ना कर। नाइस। नहीं बोला कभी मेरे लिए, हर बार ताने तूने दिए लेकिन मैंने सहके लिया, गलतियाँ तो छोटी मोटी होती रहती, तू तो रोती रहती, हर बातों पे कैसी है तू देख लिया। तू बस चाहती है मैं जियो तेरे वश में, छोड़ दू सभी को ना रहूं मैं किसके टच में, जैसी लगी तू हालांकि वैसी नहीं है तू, धीरे धीरे आने लगा है मुझे समझ में। अक्सर अक्सर अब लिखता हूँ अक्षर में, कलम को पकड़ के कसकर, भारी पड़ जाता मैं सब पर, हाल के मैं ले रहा मुझे अब तू बस कर। आंखों में देखने की कोशिश ना कर, वापस से जीने मिलेंगे वो पल, यादों में जीने की कोशिश ना कर, मुसाफिर मैं कर रहा सफर। मेरी आंखों में जो दर्द मैं छुपाता तूने देखा नहीं क्या, मेरे कहने पे निशाना जो लगाया तूने लगा नहीं क्या, आंखों से जो निशान लगा तो लगा नहीं क्या, आंखों पे लगा जो पैरा, क्या बात है। बहुत जबरदस्त। दारिश की भी बात करूंगा और एमी वे बंटाई की बात करूंगा। दारिश की आवाज बहुत अच्छी है, आवाज बहुत अच्छी है। और
एमिवे बंटा है कि पब्लिक के साथ साथ और लोगों को भी कहूंगा, जिन लोगों को ये लगता है ना एमिवे बंटा है रैपर है तो भाई सुन लेना, बहुत बढ़िया सिंगर भी है, क्या बंदे ने गाना भी गाया, आपने बीच में देखा होगा एमिवे बंटा ने बीच में लैप पकड़ी थी, बहुत जबरदस्त थी और बहुत ही टिपिकल सॉन्ग टाइप है यार, एक रोमांटिक सॉन्ग कह सकते हैं और एक ब्रेकअप टाइप सॉन्ग कह सकते हैं, अपनी सबसे बड़ी खुशी की बात फीलिंग को, गाली नहीं दी, गाली नहीं दी और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करा है, ये एक तरीके से लड़की को बता रहा है कि भाई बस अब तू दूर रह, तूने मुझे कैद करके रखा है, तूने मुझे अपने आप में जकड़ के रखा है, अब तू मेरी यादों में भी नहीं है, अब तू यादों में घुसने की कोशिश भी मत करियो, मेरी आंखों में जो पहरा था मेरी आंखों में तूने दर्द कभी नहीं देखा और अब मैं नहीं चाहता कि तू मेरी याद में भी रहे कभी। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया और एमिवे बंटाए जो रैप करता है ना यार, आई लव इट यार, मजा आ जाता है भाई, प्यार है मुझे इस बंदे के रैप करने के तरीके से, इस बंदे से बेहतर रैप मैंने ना मतलब मुंबई में नहीं देखा, देखो बहुत बड़े बड़े लोग हैं बट मुझे बहुत पसंद है एमिवे बंटाए, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तो आई होप मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे मन में वर्ड्स नहीं आ रहे, मेरा बहुत फेवरेट है और एमिवे बंटाए ने साथ में कोलैबोरेशन करा है किसी की वो भी अपने चैनल पे, अच्छा, तो बहुत सही करा है क्योंकि उस बंदे की आवाज़ भी बहुत ज़बरदस्त है, मैंने दारिश का पहली बार गाना सुना है अक्सर, बहुत बढ़िया और जो ये फीलिंग्स बता रहे हैं ना, तो एक ऐसे लड़के के लिए जो कि लड़की को छोड़ना भी चाहता है और छोड़ भी नहीं पा रहा है और अपने आप को समझा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये लाइफ का फेज़ है, बहुत सारे लोग इससे कहीं ना कहीं अटैच कर रहे होंगे, तो मुझे तो गाना बहुत ज़बरदस्त लगा, आपको कैसा लगा? मैं भी कहूँगी गाना मुझे बहुत सुंदर लगा, जो एमी बंटाए के साथ जिस लड़के ने गाना गाया उसकी है दारिश, बहुत सुंदर, उसको तो ऐसा लगा है कि जैसे कि पारिस को छूके आदमी लोहा जो सुकून सा लग रहा था गाना सुन के, वो बन जाता है सोना बन जाता है, तो एमी बंटाए के साथ उसने एक गाना गाया तो बहुत सुंदर बहुत अच्छा, और वाकई में ये एक मौका था उसको जो मिला है और इसने इस मौके का फायदा उठाया, बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ कि अगर एमी बंटाए के साथ कोई भी गाना गाएगा वो वाकई में वो भाई मैच करना मुश्किल है एमी बंटाए को, बहुत बढ़िया बहुत, तो मैं ये नहीं कहूंगा एमी बंटाए ने बहुत फ्लो में गया, एमी बंटाए कैसे वर्सेटाइल सिंगर है जिसने अपने आप को दूसरे सिंगर में डाल लेता है, ये इस बंदे की क्वालिटी लगती है मुझे, क्योंकि एमी बंटाए को पता है जो उनका फ्लो है ना को पकड़ नहीं सकता, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं इसके फ्लो में आ जाता हूँ, और वाकई में इतना अच्छा उसने गाया है कि हम लोग ये सोचते थे कि ये रैप करना जानता है, एग्जैक्टली इसने गजल भी गाना जानता है, बहुत सही बहुत सुंदर, मैं दिल से बहुत प्यार करती हूं एमी बंटाए, वैसे मुझे बहुत पसंद है, तो भाई एमी बंटाए की पब्लिक आई लव यू लिख देना कमेंट्स के अंदर, मैं आई लव यू कहती हूं एमी बंटाए को, एमी बंटाए मुझे वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है, उसकी जो दो लटे है ना वो तो बस गजब डाल जाती है, बहुत सुंदर, मैं भी बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे बाल अगर बढ़ जाते हैं तो देखते लटे आती नहीं आती, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो यार आई होप गाइज आपको ये गाना और हमारा रिएक्शन लगा होगा, ऑनेस्ट रिएक्शन लगा होगा बहुत अच्छा, तो बिना किसी कंफ्यूजन के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना, से क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी, और ऐसे और भी गानों पर रिएक्शन चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, और ये बताना मत भूलना वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।